हेलो फ्रेंड्स, महरा राइडर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोटरसाइकिल के हैंडल को किस तरह से ग्रीसिंग करवा सकते हैं, जो इसकी जो प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी, इसमें टाइट हो जाता है थोड़ा कुछ टाइम बाद, तो उसको आप किस तरह से रिपेयर करा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैंडल के नीचे एक नट होता है जो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा। ये एलकी की मदद से खुलेगा, जो एलंकी होता है उसकी मदद से खुलेगा। तो ये यहाँ पे होता है ये नट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो दो नट हैं हैंडल के, इनके बीच में एक होल होता है। उस होल के अंदर ही वो नट होता है जो एलकी की मदद से खुलता है। उसके बाद नंबर प्लेट आपने उतार लेनी है, और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बाहर करवाओ तो ठीक है, क्योंकि ये सिंगल कोई नहीं कर सकता, इसमें भी किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। हेडलाइट आपने खोल लेनी है, और मैं पहले जो है अपना शॉकर की सर्विस करवा रहा था, उसी के साथ ही मैंने ये करवा दिया था, जो मेरे दोनों काम हो गया। और आपने ये बड़ा नट खोलना है जो बड़े पाने से ही खुलेगा। जो टूल्स भी तकरीबन नहीं होते हमारे पास, इसलिए सर्विस भी बाहर ही करवाना ठीक रहता है। छोटा मोटा सर्विस अगर खुद कर लो तो ठीक है, हैंडल ग्रीसिंग ये वो, शॉकर में फॉर्क ऑयल चेंज करना, ये सब आप बाहर करवाओ तो भी बेस्ट रहता है, क्योंकि खुद आप नहीं कर पाते। तो ये देखिए, ये हैंडल का जो बड़ा नट है बीच में सेंटर में, ये आपने इसको खुलवाना है। और इस तरह से मैं आपको पूरा बताऊँगा, आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि हाँ, ये सब हैंडल की जो आप ग्रीसिंग करवाते हैं उसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ती है, कैसे आप करवा सकते हैं, तो वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो इस तरह से ये खोलने के बाद बहुत तरीके से पूरा ये हैंडल जो है ये निकल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये मैकेनिक निकालते हैं। तो ये देखिए, ये नीचे से ये जिसमें हमारे शॉकर लगते हैं वो निकल चुका है। और मेरे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये हैंडल जाम हो गया था, जैसे मैं मोड़ता था तो मुझे प्रॉब्लम आती थी मोड़ में, और उससे जजमेंट बिगड़ती है, और जजमेंट बिगड़ने के बाद आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये देखिए, पूरी जो गोलियां वगैरह इसकी हैं ये सब आप नई डलवाओ। कोन इसकी होती हैं, कोन होती हैं इसमें, चार कोन डलती हैं, तो आप वो नई डलवाओ सभी। आपने ये नहीं है कि उसको दोबारा रिपेयर करा के आप वही डलवाओ, कोन कटी हो तो प्रॉब्लम देगी। तो आपने उसको नए तरीके से नया डलवाना है, कोई ज़्यादा इसमें महंगा खर्चा नहीं आता है। और अगर आए तो, अगर खर्चा आता भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी ही चीज़ बन रही है जो आपके हेल्प करेगी राइडिंग के दौरान, आपको बढ़िया रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब जो है गोलियाँ नई डालो, पुरानी नहीं डलवानी आपने, मैंने सब इसमें नई डलवाई है। ग्रीस अच्छा यूज़ करना है, और अगर आप ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर के बाद आपको ग्रीसिंग करवा लेनी चाहिए, जब आप नया खरीदते हो उसके बाद 10,000 किलोमीटर के बाद करवा लो, और तकरीबन हर 10,000 के बाद करवाओ तो ठीक रहता है। नहीं तो एक बार करवाया हुआ 10,000 के बाद तो ये तकरीबन 15,000 चल जाता है, लेकिन जब शुरू में नया मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसमें 10,000 के बाद आपने करवाना ही करवाना है। और फिर उसके बाद आप देखिए, यहाँ से जो हमारी कोन इसकी खराब हो चुकी हैं वो ये निकाल रहे हैं बाहर, ये बाहर निकल गई है। और इसमें एक कोन जो है ये खराब हो जाती है, हमारी गोलियां कट जाती हैं। उसका कारण एक ये भी रहता है कि बारिश में मोटरसाइकिल हमारा बाहर खड़ा होता है, वॉशिंग के दौरान पानी इसमें चला जाता है, ग्रीस सूख जाता है, तो उस वजह से ये पूरा कोन वगैरह कट जाती है, हैंडल घूमता रहता है, बार बार इस पर गोलियाँ वगैरह चलती हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये मेरे जो है गोलियों के निशान पड़ गए हैं, पूरे ख़राब हो चुकी है। तो अब ये हम हैंडल इस तरह से निकालेंगे, और जो दूसरी कोन है उसकी सारी गोलियां निकाल के, और नया कोन इसको निकाल के नया कोन डालेंगे। तो ये भी मेरा पूरा इसमें रस्ट लग गया था, पूरे में जंग लग चुका था, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। ग्रीस की भी कोई टाइम लिमिट होती है जिसके बाद वो ख़राब हो जाता है, तो उसके बाद वो चेंज कर देना चाहिए, ग्रीसिंग करवाना चाहिए। तो नया ग्रीस लगेगा तो हमारी कोन वगैरह भी नहीं कटेंगी, और कोन कटने के बाद जो है वो काफ़ी इसमें टाइम लगता है, ग्रीसिंग वगैरह करवाने में बहुत टाइम लगता है, हमारी पूरी दिन चला जाता है इसमें।
तो ये इस तरह से हम दोनों कोण, ऊपर नीचे कोण होती है, इनको निकालेंगे। इसमें टोटल चार कोण लगी होती हैं, दो कोण यहाँ पे हैं, एक हमारी हेडलाइट जो है उसमें लगी होती है, दो कोण ये होगी दो इनके ऊपर बैठती हैं जो वो होती हैं। गोलियां वगैरह लगाने के डालने के बाद इसमें जो हमारी हैं वो उनके ऊपर दो कोण बैठेंगे, दो कोण ये हैं ऊपर नीचे, तो इस तरह से होती हैं। तो ये हमारी जो है पूरा काम इसी का है, इतना हैंडल स्मूथ हो जाता है, उसके बाद बहुत बढ़िया हमारी जो मोटरसाइकिल है वो चलती है। ये देखिए ये कोण ऐसी है, ये निकाल दी है, हम इनको नया डालेंगे। तो ये पूरा ग्रीसिंग हो जाएगा, ग्रीसिंग के बाद बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखिए पहले जो इसमें एक पैकिंग लगी होती है, रबड़ बोलते हैं, रबड़ पैकिंग थी, सील टाइप में होती है वो, तो उसको पहले ये ठोकेंगे और उसको लगाएंगे। उसको लगाने के लिए भी वो जो कोण है, कोण बोलते हैं उनको, उसी से इसको अंदर ठोकेंगे, अंदर लगाएंगे इसमें, तो अंदर लग जाएगी पूरी, प्रॉपर लग जाएगी। उसके बाद जो है वो कोण फिट होगी, जो प्रॉपर फिट होने के बाद उसमें तब ग्रीसिंग वगैरह करके गोलियाँ वगैरह सब तब सेट करके डालेंगे। ये प्लास्टिक की होती है जो मैं आपको सील टाइप में बता रहा हूँ। तो ये एक नीचे लग चुकी है, दूसरी हम ऊपर लगाएंगे। ये देखिए हैंडल जो हमारा है इसके अंदर भी लगती है, ये देखिए यहाँ, यहाँ इस तरह से इसको फिट किया जाएगा। और जब ये लग जाएगा उसके बाद इसमें ग्रीसिंग और गोलियां लगाई जाएंगी। अब जो हैंडल के ऊपर लगे हुए हैं कोण, उनमें उनको भी फिट किया गया है, नए कोण, ये नए कोण है पूरे, यानी इनको फिट कर दिया है। और उसके बाद ग्रीस भी, ग्रीस आपने अच्छे वाला यूज़ करना है, कोई भी लोकल ग्रीस नहीं यूज़ करना है, कुछ टाइम बाद जम जाएगा वो, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि आप पूरा मोटरसाइकिल खुलवाने के बाद आपने इसको ग्रीसिंग करवाई है, गोली वगैरह ग्रीस करवाई है, नई कोन डलवाई है, उसके बाद आप लोकल ग्रीस डाल दो तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ग्रीस डालना है और उसी से आपकी पूरी मोटरसाइकिल स्मूथ रहेगी, बढ़िया चलेगी। ये देखिए एक कोण ये नीचे आएगी और एक हमारे जो हैंडल हेडलाइट जिसमें फिट है उसके ऊपर आएगी, ये दोनों जो हैंडल हमारे उसमें कोण लगी है उनके ऊपर फिट हो जाएगी, एक नीचे फिट होगी एक ऊपर फिट हो जाएगी पूरा, एन दो दो का जोड़ा है इनका, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, टोटल चार कोण डलती हैं हैंडल में। ये इस तरह से नीचे की कोण को अच्छे से बिठा देंगे। और यहां भी अच्छे से इसमें ग्रीसिंग वगैरह करके और उसके बाद हम इसमें गोलियां वगैरह सेट करके तब हम इसको दोबारा फिट कर देंगे। ये देखिए पूरी नई गोलियां जो हैं वो इसमें हमने लगा दी हैं। लोकल लैंग्वेज में तो इसको गोलियां बोलते हैं, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि इसको क्या बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में से क्या बोला जाता है, तो वो आप जरूर बताइए। मैकेनिक भाई ये बताएं कि उसको कोण, जिसको मैं कोण बोल रहा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हमारे इधर कोण ही बोलते हैं इसको, तो आप भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें ये गोलियां लगा के और इसको हैंडल को है जो हमारा हेडलाइट जिसमें फिट है
उसके साथ ही इसको पूरा अच्छे से लगा देंगे। और ये तब ठीक रहता है जब आप फोर्क ऑयल चेंज कराते हो, वो भी तकरीबन 9000 किलोमीटर के बाद या 10000 के बाद चेंज कराना पड़ता है। तो जब आप फोर्क ऑयल चेंज कराओ तो उसी के बाद आप तुरंत ये हैंडल भी ग्रीसिंग करवा दो तो दी बेस्ट रहेगा, आपका डबल खर्चा नहीं होगा। पहले आप वो खोलोगे फोर्क ऑयल, फिर दोबारा ये दोबारा खुलवा के फोर्क ऑयल के लिए आप पहले फोर्क खोलोगे, शोकर पूरे निकालोगे, फिर ये दोबारा आपको ये खुलवाना पड़ेगा, इसलिए आप इकट्ठा ही करवाओ तो ठीक है। अब देखो ये इसमें भी पूरी गोलियां वगैरह लगा रहे हैं। इकट्ठा काम होने में ज्यादा ठीक रहता है, हम अलग अलग हमारा काम करना नहीं पड़ता हमें, तो वो सबसे बढ़िया है। जब आप शोकर फिल करवाओ उसी टाइम पे हैंडल ग्रीसिंग करवा दो, इकट्ठा काम हो जाएगा। सारा खेल इन गोलियों का है, जो ये छोटी छोटी गोलियां हैं ग्रीसिंग का है। अगर ये अच्छे से लगी होंगी, अच्छे से पूरी फिट बैठ गई हैं, तो आपका हैंडल बिल्कुल एकदम स्मूथ चलेगा। जैसे आप राइडिंग के दौरान जा रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अचानक अगर आपके हैंडल में जाम है या प्रॉब्लम है कुछ, तो जैसे मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो हल्का वो जजमेंट खराब हो जाती है आपकी। जब मोड़ते हो आपको पूरा अपने मोटरसाइकिल पे विश्वास नहीं रहता कि हाँ भाई मैं यहाँ से मोड़ूंगा तो मुड़ जाएगा, यहाँ जो भी है कट मारूंगा तो मैं उससे बिल्कुल मुड़ जाएगा एकदम हमारा हैंडल, मोटरसाइकिल मुड़ जाए, तो वो नहीं, वो जजमेंट खराब होती है। तो इसलिए ग्रीसिंग वगैरह सब टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। तो ये इस तरह से ऊपर की जो कोन है वो इस पे फिट हो जाएगी, ये इस तरह से लग गई है। जो भी हमने वायरिंग वगैरह जो कपलर वगैरह खोले थे वो सब दोबारा लगा दीजिए। थोड़ा सा इसमें एक हमारी जो एक्सीलेटर की वायर होती है उसका थोड़ा ध्यान रखना है, वो निकल जाती है, मेरी भी निकल गई थी, तो उसको दोबारा मैंने नई डलवा लिया कि पुरानी जो है वो काफ़ी पुरानी हो गई थी तो प्रॉब्लम देती बाद में, इसलिए मैंने उसको भी नया डलवा दिया। यहाँ पे पेचकस की हेल्प से थोड़ी सी सेटिंग की जा रही है, जो हैंडल के अंदर जो इसके बीच में स्पेसर होता है एक प्लास्टिक का होता है वो, तो उसको सेटिंग कर रहे हैं, दोनों कोणों के बीच में होता है, उसको सेटिंग कर रहे हैं उसकी के भी हाँ अच्छे से है या नहीं। अब बीच में जो ये लगाया जा रहा है, जो हमारे फोर्क के जो कवर हैं ये लगाए जा रहे हैं। अब आप देखोगे जो हमारा हेडलाइट जिसमें फिट है वहाँ पे भी जो कोण फिट करने के लिए वही मेथड वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने पहले ऊपर यूज़ की थी, वही अपना पाना लगा के उसमें जो है पाने की गोटी लगा के उससे हम इसमें ऐसे इसमें अच्छे से चोट लगाएंगे जिससे ये अच्छे से फिट हो जाएगा और लूज नहीं रहेगा। इसीलिए प्रॉपर ये घर पे नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये बाहर ही करवाया है। तो ये अब इसमें अच्छे से फिट कर देंगे, ये देखिए। जितना आसान वीडियो में देख के लगता है उतना आसान होता नहीं है, कि हम सोचते हैं कि हाँ भाई वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाया और जल्दी जल्दी हो गया, तो ऐसा नहीं होता, कि बहुत मुश्किल होता है ये काम, कि इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। अब ऊपर से उसको जो बड़ा नट था उसको बंद कर देना है। और उसके बाद जो हमारे शोकर हैं उनको हमने शोकर रोड है जो वो अच्छे से लगा देनी है, और वो भी एलकी की मदद से ही खुलेंगे और बंद होंगे। ये देखिए ये नट जो हैं, जो शुरू में मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं इसमें एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जो आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं कि मैंने शॉकर में फोर्क ऑयल किस तरह से चेंज किया है।
आप पूरी डिटेल मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये पूरा काम किया है हमने। और ये देखिए एलन की मदद से हमने इसको टाइट करना है। ये नंबर प्लेट वगैरह जैसे जो हमने जिस तरह से खोला था उसी तरह हमने इसको दोबारा लगा देना है। अब जो नट मैं बता रहा था, हमारे ये जो हैंडल के बीच में नट है, एक होल है वहां पे नट होता है, उसको अब टाइट कर देना है अच्छे से। इसी से हमारा पूरा हैंडल अच्छे से टाइट होगा और जो हमारी पूरी वायर वगैरह है, जो डिस्क ब्रेक वगैरह की जो पाइप है, वो सब आपने उसी तरह से लगा देनी है जैसे इसमें लगी हुई थी। इंडिकेटर वगैरह जो सब हैं उसी तरह लगा देने हैं आपने। और उसके बाद हमारे जो मडगार्ड है फ्रंट, उसको लगाना है। उसकी पूरी डिटेल भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी कि किस तरह से खोलना है, किस तरह से आपने ये नहीं क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी है, पूरी उस वीडियो में मिल जाएगी जो फोर कॉइल चेंज करने की वीडियो है। तो ये सब आपने अच्छे से इसमें फिट कर देना है। उसके बाद जो हमारे फ्रंट डिस्क ब्रेक क्लिपर है उसको अच्छे से फिट कर देना है। अगर क्लिपर फिट करने के लिए ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं कि हमें क्लिपर फिट करने की पूरी डिटेल दी जाए, जिसमें डिस्क पैड क्लीन करना, ये क्लिपर को फिट करना, या डिस्क पैड को किस तरह से चेंज करते हैं, तो वो सब मैं अच्छे से बना दूंगा। मुझे कमेंट करके प्लीज बताएं जरूर। तो ये अब उसके बाद लास्ट में टायर इसका फिट कर देना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से जो इसके स्पेसर वगैरह जो भी आपने खोले थे वो अच्छे से वहीं लगा देने हैं जहां से खोले थे। ये इसका एक्सल वगैरह ये सब इसमें आपने लगा देना है। तो हमारे मोटरसाइकिल के हैंडल की पूरी ग्रीसिंग हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे, जैसी आपको वीडियो लगे दिल से आप उसी तरह कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं एक अच्छी सी वीडियो आपको लेके अगली वीडियो में आपको दोबारा मैं मिलता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।